वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय विश्वामित्र भवन आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग एवं संस्कृत भारती आरा के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत संस्कृत दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर एवं माता सरस्वती के तैल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर किया। तत्पश्चात अंकित मिश्रा धरणीधर ने वैदिक मंगलाचरण, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग की छात्रा स्वीटी श्रेया मानसी ने स्वागत गीत एवं नम्रता पाठक ने संस्कृत वंदना से संस्कृतमय वातावरण स्थापित किया। वहीं अपने उद्बोधन में विशिष्ट अतिथि डॉ. आभा सिंह प्रचार्य जगजीवन कॉलेज ने कहा कि संस्कृत प्राचीन भाषा है। भारत में गुरुकुल परंपरा रही है जो अनादिकाल से चली आ रही है। संस्कृत संस्कार सभ्यता का एक अनोखा रूप है। वहीं शाश्वत अतिथि डॉक्टर भारत भूषण ने संस्कृत के 108 माला रूपी संस्कृतज्ञ की श्रृंखला एवं भाषा सूची में संरक्षित करने के लिए संस्कृत प्रेमियों को जनगणना के माध्यम से भाषा सूची में संस्कृत विकल्प चुनने की सलाह दी। विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुज रजक ने स्वागत भाषण किया, साथ ही विश्वविद्यालय में व्यापक संस्कृत परिवर्तन होने का आश्वासन दिया। वहीं स्नातकोत्तर जैन महाविद्यालय की छात्रा सलोली ने संस्कृत भाषण से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मंचासीन संस्कृत भारती बिहार प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर वेद निधि शर्मा ने संस्कृत के आधुनिक जीवन में लाभ एवं संस्कृत पढ़ने वाले को धरती पर देव की उपाधि दी। जैन महाविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर संजय चौबे ने इस भाषा को भाषा तक सीमित न होने की बात कही, तो वहीं व्यापक रूप से इसको प्रचार प्रसार का भार नवीन युवाओं को सौंपा। कार्यक्रम के अंत में संस्कृत भारती के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रकाश राय जी ने सभी के द्वारा संस्कृत के ज्ञान को संक्षेपित रूप से प्रकट किया। मंच संचालन जे कॉलेज के डॉक्टर सत्येंद्र पांडे ने किया। वहीं संस्कृत भारती के जिला मंत्री दिव्यांशु मिश्रा ने सामूहिक स्थलों का नाम संस्कृत में करने हेतु अभियान चलाने की बात कही। कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं, हिंदी के पूर्व प्राध्यापक बलिराज ठाकुर, विश्वनाथ जी, कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर अंकित मिश्रा, विश्वविद्यालय संस्कृत प्राध्यापिका आदि उपस्थित रहे। कोकिल वाल्मीकि विरचिता राम
कुलपति अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है सर, उसी में चले गए हैं। मैं उनके पिता हूं, मैं संस्कृत भारती भोजपुर जनपद के अध्यक्ष और अपने बड़े भाई श्री प्रकाश राय जो कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। भारत भूषण शाश्वत इस जनपद के सनातन धर्म शक्तिपीठ के अध्यक्ष हैं और उनकी काफी व्यस्तता के बाद भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आग्रह करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट 20 मिनट के लिए आ जाऊं। मैं स्वागत करता हूं आभा मैडम को। आरा में अगर संस्कृत का कार्यक्रम होता है और आभा मैडम नहीं रहे तो यह कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। मैं सम्मिलित हुए, मैं अवनितलम पुनरवतीर्ण स्यात् संस्कृत गंगा धारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकम् धीर भगीरथ वंशोऽस्माकम् वयम् तु कृत निर्धारा वयम् तु कृत निर्धारा। धन्यवाद। अद अत्यंत हर्षस्य विषयः अस्ति यत् संस्कृत दिवसस्य पावन अवसरे किंचित् वक्तुम् अवसर मया प्राप्त। अहम् संस्कृत प्रतिष्ठाया छात्रा सलोनी त्रिपाठी वदामि। मम भाषणस्य विषयः अस्ति जनभाषा संस्कृतम्। जनभाषा संस्कृतम्।
इति श्रुत्वा प्राय जना चकिता भवन्ति पृच्छन्ति यत् किं संस्कृत भाषा कदापि जनभाषा आसीत् किं किन्तु तादृशा जना एतस्य भाषा विज्ञानस्य भाषा रहस्यं न जानन्ति तेन अवश्यन्ति यत् इयं संस्कृत भाषा कस्यापि देशस्य राष्ट्रभाषा वा सांस्कृतिकी भाषा सा एव जनभाषा अपि अस्ति या विकसित रूपे राष्ट्रीय भाषा पदम अलग करोति समिते अहम् वदामि आसीत् अत्र संस्कृत भाषाया प्रचार सर्वत्र भवति नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे च प्रशिक्षिता युवका सम्भाषणं शिविरम् आयोजयन्ति डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ आरा शहर के ब्लॉक रोड चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल सोफा सेट पलंग आलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।